चलिए आइए देखते हैं कि सेक्शन ऑफ सिलेंडर कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, एक्स वाई लाइन खींचते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, वी पी, यहाँ पे क्या लिखा, एच पी लिखा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं ऐसे, तो ये हो गया आपका पी पी, परपेंडिकुलर प्लेन। अब सिलेंडर है तो जब टॉप से हम देखेंगे तो क्या होगा, कैसे दिखेगा ये, यहाँ पे आपको सर्कल दिखेगा। सर्कल दिखेगा, ठीक है। इसके कितनी डिवीजन करेंगे हम अपनी सुविधा के लिए, 8 डिवीजन करेंगे, कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जब इसको हम सामने से देखेंगे तो सामने हमें क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये रेक्टेंगल दिखा, ये यहाँ से प्रोजेक्शन होगा, ये इसके पीछे आएगा, तो यहाँ पे एक हल्की सी लाइन दिखेगी, एक लाइन यहाँ पे दिखेगी, एक लाइन आपकी यहाँ दिखेगी एक्सिस वाली, डैश डॉट डैश डॉट। सेम इधर जब प्रोजेक्शन होगा सेम रेक्टेंगल ऐसे ही यहाँ पे बनेगा, 45 45 45 45 पर लाइन लिया यहाँ से, फिर यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बनेगा, उतनी ही साइज का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी लाइन वर्टिकल आएगी ऐसे, यहाँ पर भी आएंगी, यहाँ पर भी आएंगी लाइंस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक सेक्शन प्लेन है जो क्या कर रहा है, इसको इसके सेंटर से 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अभी कट कर रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि एक जो है प्लेन है जो इसको यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हमने यहाँ कहीं से इसको मान लीजिए कट किया, यहाँ से कट कर दें, चलिए यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, इसको कट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डार्कर, यहाँ पे डैश डॉट लाइन आएगी। ठीक है, ठीक इसी केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर सेक्शन लाइन यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, और यहाँ पे डैश डॉट इसका नाम हो जाएगा वी टी, और इसका नाम हो जाएगा आपका एच टी। ठीक है, जब हम सामने से देखेंगे तो क्या होगा, कुछ पोर्शन कटा हुआ दिखाई पड़ेगा, वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से प्रोजेक्शंस लेंगे ऐसे, 45 पर लाइन जाएगी ऐसे, यहाँ से प्रोजेक्शंस लिया ऐसे, और 45 पर लाइन जाएगी यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पे इतना कुछ रेक्टेंगल दिखेगा, ये क्या हो जाएगा आपका डार्कर। ठीक है, इस रेक्टेंगल को हम क्या कर देते हैं, डार्कर कर देते हैं। नहीं हो गया डार्कर। ठीक है, अब चलिए अभी पोर्शन डार्कर हो गया तो हम इसको क्या कर देते हैं, हैच भी कर देते हैं 45 पर, ये देखिए हमने हैचिंग कर दिया, हैचिंग 45 पर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि जो पोर्शन कट गया वो तो लाइट हो जाएगा, जैसे ये पोर्शन यहाँ से हट गया तो बाकी जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, डार्क होगा। इसको हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, जब सामने से देखेंगे तो इतना पोर्शन डार्क हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस डैश डॉट में दिखेगी, बाकी ये सब लाइंस लाइट ही रहेंगे। ठीक है, इसको डार्क नहीं करेंगे, और जब हम यहाँ पे सामने से देखेंगे तो ये इतना पोर्शन क्या होगा, डार्क होगा, इतना पोर्शन यहाँ पे डार्क होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सिस डैश डॉट में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आइए नेमिंग कर लेते हैं, तो नेमिंग जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4। तो जब एच टी की नेमिंग होगी तो 1 ब्रैकेट में 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 3। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो यहाँ पे नेमिंग आएगी 2 ब्रैकेट में 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 4।
अब इसके बाद हम इसमें चाहे टॉप या बेस पे हम किसी की नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, बेस की नेमिंग किया। बेस की नेमिंग करेंगे तो माना ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो जो हम इसको यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या नज़र आएगा, ए दिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बी दिखेगा, यहाँ पर सी दिखेगा, यहाँ पर डी दिखेगा और यहाँ पर ई दिखेगा, ठीक है। डी सी बी ये क्या होंगे, ब्रैकेट में होंगे, डी सी बी, ठीक है। चलिए एक्सिस की अगर हम बात करें, ओ ब्रैकेट में ओ वन, तो यहाँ पे ओ लिखा जाएगा और यहाँ पे ओ वन लिखा जाएगा। यहाँ पे भी एक्सिस की नेमिंग ओ और यहाँ पे ओ वन आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे बेस पर नेमिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके टॉप पर भी कुछ पॉइंट होंगे, तो हम बेस के अगर पॉइंट की नेमिंग कर रहे थे, यहाँ पे ब्रैकेट में पहले ही लगा दीजिए, है ना, इससे पता चले कि ये बेस के पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब इसको, इसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, डायमेंशन करते हैं। तो डायमेंशन कैसे करेंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस, फिर इसके बाद यहाँ से डायमेंशन लाइन लेंगे, फिर ऑब्लिक स्ट्रोक, फिर इसके बाद यहाँ पे डायमेंशन लिख देते हैं। मान लीजिए बीपीसी कितना है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे। एक्सिस की हाइट मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।